हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे। और गाइज, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी डेफिनेशन हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे या फिर कवर करेंगे, ये सारे के सारे डेफिनेशंस आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आगे के वीडियो लेक्चर्स में, या फिर आगे के जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा उन सभी में आप लोगों को ये सब बेसिक डेफिनेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर कहीं पर डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना और वहाँ पर बताना कि किस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर वे में आपको वहाँ पर एक हेल्प मिल सके, एक सुटेबल सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सके। सो गाइस, जल्दी से देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके गाइस, सेकेंड जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ मास। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक, थर्ड जो टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा सेंट्रोइड। ठीक, सेंट्रोइड क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए, जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या होता है उसको हम देखते हैं अच्छे से। मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको एक सुटेबल डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो ये तो चलो ठीक है, वर्ड हम यहां पर पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम क्योंकि हम लोगों ने ये चीज देखा है कि किसी भी अगर क्वांटिटी का लीनियर एग्जिस्ट करता है तो उसका एंगुलर भी एग्जिस्ट करता है ना। हम लोगों ने ये सब चीजें देख रखा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है वेलोसिटी को अगर देखा है वी, तो एंगुलर उसका एंगुलर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करता है। अगर हमने लीनियर में एक्सेलरेशन देखा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी एग्जिस्ट करता है। अगर हमने फोर्स को देखा है तो टॉर्क एग्जिस्ट करता है लीनियर एंगुलर में। अगर हमने लीनियर में फोर्स देखा है तो एंगुलर में टॉर्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हमने ऑलरेडी पहले भी देख रखा है कि जो भी हमारे पास लीनियर का क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ हमारे पास एक एंगुलर का क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास लीनियर मोमेंटम है तो उसके साथ साथ हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करेगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा मोमेंटम। सो गाइस, अब सबसे पहली बात यहां पर आती है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम को हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू एम भी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी, जो कि मैंने आप लोगों को मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम क्या होता है बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों को समझा रखा है मैंने। मेरा जो मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, उसको बताने से पहले मैंने आपको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बताया था, चेंज इन मोमेंटम बताया था, बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन किया था। तो आप लोग उस वीडियो को देख ले, तो अगर आपको लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझना है तो वहां से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली बताऊंगा, तो P इज इक्वल टू हमारे पास होता है मोमेंटम, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। और गाइस, हमने एक चीज और देखा था कि जो एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था मोमेंटम का, एक और डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स। फोर्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो चेंज इन मोमेंटम है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये भी एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अगर मैं पी इज इक्वल टू एम भी इस वाले फॉर्मूला को लूँ और अगर मैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को लूँ, तो दोनों को अगर मैं साथ में स्टडी करने की कोशिश करूँ तो होगा क्या क्या होगा, देखिए फोर्स पी जो है मोमेंटम दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो हमारा मास से और एक हमारा बी से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलकर के जो है हमारा लीनियर मोमेंटम बना है। अब गाइस, मैं अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ा दूं तो उस केस में उसका जो मोमेंटम है वो भी बढ़ जाएगा है ना, मैंने समझाया था ये सारी चीजें। या फिर मैं किसी भी बॉडी का अगर मास को इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है या फिर लीनियर मोमेंटम है वो भी बढ़ जाता है। और गाइस,
मोमेंटम देखिए चेंज अगर हो रहा है, मोमेंटम अगर बढ़ रहा है, मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसके साथ साथ फोर्स भी हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो हम नॉर्मली यहाँ पर हम इसको एक सीधा वर्ड दे करके हम समझा सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स की मतलब जो बल है, जो फोर्स है, उस फोर्स की कितनी मात्रा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपका क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा या फिर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक, लीनियर का मतलब है कि वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता रहे, समझ में। उसके बाद आप आ जाइए एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि हर एक लीनियर पार्ट का एंगुलर पार्ट भी एग्जिस्ट करता है ना। अब एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फोर्स का जो है एंगुलर पार्ट क्या होता है, टॉर्क होता है। और टॉर्क क्या होता है, देखिए फोर्स तो नॉर्मली हम अगर मैं फोर्स बोल रहा हूँ तो फोर्स क्या है कि वो एक लीनियरली हो रहा है, समझ में। अब मैं अगर बात करूं कि एंगुलर, उस कंडीशन में टॉर्क आ जाता है, क्या आ जाता है, टॉर्क। इस टॉर्क की डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए टॉर्क को मैं अगर डिफाइन करूं, टॉर्क को अगर मैं डिफाइन करूं तो टॉर्क को हम दिखाते हैं टॉ से, एंड टॉ इज इक्वल टू होता है आर इन टू एफ होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, टॉर्क भी डिफाइन करके बताया था कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो है टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है हमारे पास, और इस बॉडी को मुझे क्या करना है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, और इसको मुझे क्या करना है, फोर्स लगा कर क्या करना है, रोटेट करना है। चलो यहां से समझ में नहीं आता है, यहां पर देखते हैं। एक रिजिड बॉडी है, और इस बॉडी को मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने यहां पर कर दिया फिक्स, मतलब जो फ्री है, घूम सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी पे मैं जो है एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं, देखिए फोर्स लगाने का भी तरीका होता है, मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को बता रखा है। फोर्स को हम ऐसे अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे, 90 डिग्री में लगाएंगे, तो उस बॉडी को हम ज़्यादा रोटेट करवा सकते हैं, समझ में। लेकिन वही अगर मैं इसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करूं, तो बॉडी कभी घूमेगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको या तो ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या तो ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी के हम ऊपर से अगर ऐसे 90 डिग्री में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू एबल टू मूव, रोटेट द बॉडी, ठीक, अदरवाइज नॉट। अगर आप इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे सीधा, तो उस कंडीशन में आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ होता है हमारा टॉर्क, कि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए हम जितना भी फोर्स हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, रोटेट करवाने के लिए जितना भी फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा होता है टॉर्क। टॉर्क को अगर मैं एक और वर्ड से डिफाइन करना चाहूं, तो वो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, समझ में। देखिए ये जो एफ है ना, ये जो एफ है और ये जो आर का जो मल्टीप्लाई है, वो आपका क्या शो करता है, ये जो एफ और आर मैंने लिखा है, वो शो क्या कर रहा है कि जैसे मैं ये बॉडी आप लोगों के लिए बनाया था यहां पर, और इस बॉडी को मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर फिक्स कर दिया था, है ना, और इसको मैं क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था। अब ये जो आर है वो एक पोजिशन वेक्टर है, एक डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, मतलब फिक्स्ड एक्सिस से, जहाँ से वो फिक्स है, उस एक्सिस से लेकर के जहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ तक की डिस्टेंस है ये आर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, ये जो आर क्रॉस है, इसको मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहां पर बात आ जाती है कि एंगुलर मोमेंटम को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस पी होता है, तो आर क्रॉस पी अगर मैं लिखूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैं इसको वेक्टर में लिख रहा हूं। आर क्रॉस पी अगर मैं लिखूं तो मैं इसको बता सकता हूं, देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये चीज क्या डिफाइन कर रहा था, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये चीज क्या डिफाइन करेगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या चीज डिफाइन करेगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, नॉर्मली मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, समझना कि एक बॉडी को मैं एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसको हम बोल रहे हैं टॉर्क। और किसी बॉडी को
एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने के लिए मैं कितना उसमें लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं, वो हमारा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम एंगुलर जब वर्ड आ जाता है तो आप लोगों को सीधा समझ जाना है कि वो जो है आपका रोटेशन से मतलब रख रहा है, ठीक है, घुमाने से मतलब रख रहा है। तो होप कि आप लोगों को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब चलिए जो एंगुलर मोमेंटम है इसका कुछ हम फॉर्मूला यहाँ पर जो है निकालते हैं। देखिए एंगुलर मोमेंटम, अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम का आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये जो वेक्टर, ये जो क्रॉस है ना, वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, L इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R सॉरी इनटू पी साइन थीटा में लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो मैं उसको साइन थीटा यूज कर सकता हूं। तो यहां से L इज इक्वल टू R इंटू पी, और यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन 90। देखो किसी भी बॉडी को, अभी मैंने जब टॉर्क आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा बेसिक बताया था टॉर्क, टॉर्क को मैंने बताया था कि किसी बॉडी को घुमाना, अब घुमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फोर्स को अप्लाई करने के लिए भी तो आपको जो है उसके एंगल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी भाई, किसी बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी को मुझे घुमाना है, ये इसका फिक्स एक्सिस है। अब इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पूरा एकदम, इस बॉडी को घुमाने के लिए मैं एकदम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो जाकर के इस बॉडी को मैं अच्छे से घुमा सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर एंगल चेंज कर दूँ, मैं इधर से फोर्स लगाऊँ तो उतना ज़्यादा नहीं घूमेगा ये, समझ में, या फिर मैं इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दूँ तो ये तो बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, उसके एंगल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो भैया एंगल कौन सा भाई, 90 डिग्री का एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें कितनी मोमेंटम देना पड़ेगा, तो देखिए वो हमारा 90 डिग्री होगा, तभी जाकर के कोई बॉडी जो है अच्छे से रोटेट करेगी, समझ में। तो यहां से साइन 90 का मान क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू पी, और साइन 90 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है, वैल्यू 1 होता है। तो यहां से L इज इक्वल टू R इंटू पी, और यहां से L इज इक्वल टू R, और यहां पर P के जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, M इंटू वी, ये है आपका लीनियर मोमेंटम। तो होप कि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो भी निकला है ना आपका, यहां पर ये जो भी आपका निकला है, ये सारे के सारे आपका एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल दिया। अगर मैं एक रिजिड बॉडी की बात करूं, अब यहां पर बात आ जाती है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब एक रिजिड बॉडी है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इसको जो है मुझे क्या करना है, एक जो है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है इसको रोटेट करवाना है। तो रोटेट करवाने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो L हो जाएगा यहां पर क्या होगा, देखिए मैंने सिर्फ ये जो मैंने डिस्कशन किया, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टिकल के लिए डिस्कशन किया गया। और जहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात आ जाता है तो सिस्टम में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल्स को साथ में लेकर के जब हम चलेंगे तो उस कंडीशन में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। यहां पर एक पार्टिकल को लेकर चला था, अब यहां पर हम बहुत सारे पार्टिकल को लेकर चलेंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल के लिए हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। समेशन का मतलब सभी पार्टिकल्स को एक साथ ले लेंगे, ठीक, समेशन ऑफ R इंटू एम क्रॉस V। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये आ जाएगा, समझ में, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा नॉर्मली। तो होप कि यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। कभी कभी ना जो है किसी किसी बुक में ना ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका एच से भी डिनोट किया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, एल हो या फिर एच हो दोनों से आप डिनोट कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ मास के तरफ। सो गाइस सेंटर ऑफ मास, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको हम दो या तीन नाम से बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ इनर्शिया या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया हो, सेंटर ऑफ मास हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तीनों ही जो है कॉन्सेप्ट एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर सेंटर ऑफ
जो है इनर्शिया करके भी डिनोट किया जाता है, कहीं पर सेंटर ऑफ मास भी बोला जाता है, कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। सो इसको होप कि आप लोगों को बहुत पहले जान चुके हैं आप लोग, लेकिन एक बार फिर भी मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया इज अ पॉइंट दैट लोकेट्स द रिजल्टेंट वेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। तो कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी का जो भी मास है, वो उस बॉडी का जितने भी सारे के सारे जो मास होता है उस बॉडी का, वो सारे जो है किसी एक ही पॉइंट पर जो है रहता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उसी को हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो है क्या है, एक मार्कर है ना। अब इस मार्कर को मुझे पता लगाना है कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर है। तो सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए सबसे पहला जो आपका रहेगा, एकदम बेसिक रहेगा, कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। मैं अगर देखिए ऐसे रखूँगा तो इधर गिर जाएगा, मैं इधर रखूँगा तो इधर गिर जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, कहीं पर बीच में ला करके इसको मैं बैलेंस करता हूँ। तो मान लीजिए जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों साइड में दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में होगा, तो वही जो है पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कि समझाना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दिया है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रोइड पर। सेंट्रोइड क्या होता है? द सेंट्रोइड इज अ पॉइंट विच डिफाइंस द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर को बताने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो सिंपली क्या हो जाता है, हमारा सेंट्रोइड हो जाता है। अब सपोज दैट कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां पर होगा? इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करूं तो वो कहां हो जाएगा? सपोज दैट ये यहां से मैं अगर इस पॉइंट को मिला दूं, यहां से मैं अगर इस पॉइंट को मिला दूं, यहां से अगर इस पॉइंट को मिला दूं, तो ये हो जाएगा हमारा इसका, इस ट्रायंगल का एक सेंट्रोइड, समझना। सिमिलरली अगर मैं एक सर्किल की बात कर लूं, सर्किल का, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा भाई? यहाँ पर होगा, यहाँ से हर जगह से अगर मैं इसके ज्योमेट्रिक सेंटर की बात करूँ तो वो यहाँ हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या, सेंट्रोइड। अब गाइस जो सेंट्रोइड है इसको मैं एक रिजिड बॉडी के फॉर्म में अगर आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग कैसे, मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? देखिए सपोज दैट हमारे पास तीन एक्सिस है, जो कि नॉर्मली होता है थ्री डायमेंशनल में हम देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम वाई मान सकते हैं, इसको हम जेड मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, ये है। अब इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम मान लेते हैं कि यहां पर है। अब मैं अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक पोजीशन वेक्टर से मैं डिनोट करना चाहूं, यहां से यहां तक का जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूं कि आर बार है, ठीक है। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल मैंने यहां पर पी ले लिया है, और ये जो पार्टिकल है मैं मान लेता हूं कि इस पार्टिकल का जो मास है वो एम है, मैं ऐसे मान सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल का भी जो है पोजीशन मैं इस सेंटर से डिनोट करता हूं, इस पार्टिकल का पोजीशन भी मैं क्या करता हूं, सेंटर से डिनोट करता हूं, और इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा वो मैं मान लेता हूं आर वेक्टर है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे मान सकता हूं कि इसको आर बार करके आर बार वेक्टर मान सकता हूं, ठीक है। तो मैं अगर इस पार्टिकल का सेंट्रोइड की बात करूं, मैं अगर इस पार्टिकल का सेंट्रोइड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, आर बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम। तो ये हो जाएगा नॉर्मली सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना, क्योंकि इसका हम यूज आगे के वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, और जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें भी हमें ये सब चीज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये जो आर है वो ये वाला आर बार है, समझना, और ये जो आर है वो इस पार्टिकल के लिए है। अब गाइस यहाँ पर ये जो समेशन मैंने लगाया ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने एक पार्टिकल की यहाँ पर बात किया था, तो ऐसे ही इस पार्टिकल का जैसे मास m है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो ऐसे हर एक पार्टिकल का मैं अगर मास m कंसीडर कर लूं, तो उन सभी का मास जो है मिल करके क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो आपका आया है ये कहाँ से आया है, ये जो आया है मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम बताया था, ये वहीं से आ गया है,
क्योंकि ये बॉडी क्या करता है, रोटेट करता है। तो उस कंडीशन में हम जो है सेंट्रॉइड अगर निकालना चाहें, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम में निकालेंगे, तो सेंट्रॉइड अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। सो होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो चीज़ भी मुझे आप लोग ज़रूर बताएं। फीडबैक आप लोगों की बहुत मस्ट है। आप लोग अगर फीडबैक अच्छा देंगे तो मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के लिए आगे बनाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।